गाइज, बचपन से हमारे दिमाग में एक चीज़ तो ज़रूर होगी कि यार जो रॉकेट होते हैं दिवाली वाले, वो कितने ऊपर जाते हैं। और ये तो मेरे दिमाग में भी काफ़ी बचपन से था, मतलब अंदर का कीड़ा समझ सकते हो आप, कि मैं ये जानना चाहता था कि यार जो रॉकेट होते हैं वो कितने ऊपर जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि जो हमारा रॉकेट होता है वो कितने ऊपर जाता है। इसके लिए देखो मैंने क्या, मैं यूज़ करूँगा जो काइट वाले मांझा होते हैं, मैं उनका यूज़ करूँगा। और चलो अब इसको बांधते हैं फटाफट से, और उसके बाद इसको उड़ाते हैं और फिर देखते हैं कि ये कितने ऊपर जाता है। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रॉकेट में ये धागा लगा दिया है, यानी कि मांझा लगा दिया है, और इसको थोड़े टेप की मदद से भी थोड़ा सा चिपका दिया कि जब ये ऊपर जाए तो निकले ना। अब इसको जलाते हैं फटाफट से और फिर देखते हैं कि ये कितनी ऊपर जाता है। इस वीडियो में दिखाया गया सभी काम पूरी सावधानी के साथ किया गया है, कृपया आप लोग इसे दोबारा करने की कोशिश ना करें। तो गाइज अभी देखो मैंने यहाँ पे रॉकेट लगा दिया है और इसके नीचे मैंने बांध दिया धागा, और यहाँ पे मैंने जो है मांझे को थोड़ा सा निकाल दिया है ताकि जब ये ऊपर जाए तो ये आसानी से जा सके। और यहाँ पे अभी देख रहे हो तो यहाँ पे जो मांझा है वो अभी लपेटा हुआ है उसमें। और अब फटाफट से इसको लगाते हैं आग और फिर देखते हैं कि हमारा जो रॉकेट है वो कितनी दूर जाता है और कितना मांझा लेके जाता है। तो गाइज हमारा जो रॉकेट था वो काफ़ी दूर गया, और ये देखो आप यहाँ से अभी देखो, और मैंने जो धागा निकाला था उसमें से भी अभी इसमें से वो धागा तो ख़त्म हो गया, और इसमें से भी धागा जो है निकल रहा था। और यहाँ पे आप देखो ये पेड़ के ऊपर से कुछ इस तरीके से है और ये काफ़ी दूर है। और अब इसको खींच के देखते हैं कि ये कितनी दूर और गया यहाँ है। पे अभी नीचे देखो कितने सारे धागे हैं, मतलब कितना सारा मांझा है। अब इसको देखते हैं कि ये कितने हैं और ये कितना दूर लेके गया था। अभी आप ये जो मेरा हाथ देख रहे हो ये वाला सिरा, ये जो है ये है 2 फीट का। तो अभी इससे मैं नाप के देखूंगा कि ये कितने फीट लेके गया था। ओके गाइज, तो ये जो है मैंने आपको बताया कि जो मेरा हाथ है वो 1.5 फीट का है। ये यहाँ से ये जो एल्बो यहाँ पे दिख रहा है कौन, ये वाला यहाँ से और ये बिल्कुल साइड वाले हिस्से तक जो है ये है 1.5 फीट का। और ये 76 बार मैंने हुआ, तो अगर मैं 76 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो कुछ आएगा 76 हो जाएगा, और फिर हम उसमें 38 जो है ऐड कर देंगे 114 के करीब। तो मतलब आप समझ सकते हो 114 फीट जो है वो ये धागा ऊपर लेके गया था। 114 फीट, मतलब एक रॉकेट में इतनी पावर होती है, और वो थोड़े बड़े साइज वाला रॉकेट था, मतलब एक रॉकेट में इतनी पावर होती है कि आप समझ सकते हो 114 फीट लेके गया था। और मुझे लगता है कि अगर ये अगर मैं इसमें से और ज़्यादा बाहर धागे निकाल के रखता तो कुछ और ऊपर जाता। बट यार आज मेरा ये क्लियर होगा कि हाँ एक रॉकेट जो है वो कितनी ऊपर जाता है, क्योंकि यार मैंने देखा काफ़ी ऊपर जाता है, हमें दिखता भी है पर हमें ये नहीं एग्जैक्ट पता चलता कि वो कितनी ऊपर है। तो आज मैंने आपको बता दिया, अगर आपके दिमाग में भी ये चीज़ चल रहा होगा तो आई थिंक आपकी ये चीज़ क्लियर होगी कि एक जो रॉकेट होता है बड़े साइज का वो कितनी दूर धागा लेके जाता है, या फिर वो कितनी दूर जाता है। तो वो कुछ 114 फीट के ऊपर जाता है। तो गाइज यार अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार फटाफट से लाइक कर दो, और ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कर लो सब्सक्राइब यार। और अगर आपके पास भी ऐसे कोई आइडियाज़ हैं, कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं, या फिर थोड़े ख़तरनाक हो या फिर कैसे भी हो, आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उसको पूरा करने की। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।